हर कोई व्यक्ति पैसे के लिए मेहनत करता है ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा सके और अगर कभी परिवार में कोई बीमारी आए तो उसके लिए पैसा खर्च कर सके। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर आपके परिवार में कभी कोई बीमारी ही ना आए तो ये कैसा रहेगा। जाहिर है आप कहेंगे ये तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि जो चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज आपके घर के नजदीक है, वो चीज आपको फ्री में मिल सकती है। उस चीज से आप अपने दांतों के दर्द से लेकर हार्ट अटैक जैसी सभी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसी बीमारियां जिसके लिए आपको हॉस्पिटल्स में हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो सिर्फ उस जड़ी बूटी के जरिए आप आसानी से सही कर पाएंगे। वो जड़ी बूटी आपने देखी भी होगी, लेकिन हम उसके फायदे नहीं जानते, इसलिए हम उसे उखाड़ कर भी फेंक देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अपामार की। अपामार को कई जगह पर चिरचिटा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो आसानी से आपको पूरे भारत में मिल सकता है, यानी कि आपके नजदीक कहीं भी अगर कोई खाली जगह है तो आपको वहां पर जरूर अपामार मिल जाएगा। अब ये अपामार जो है ये आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन हम लोग इसके बारे में नहीं जानते। हमें आजकल की मेडिसिन खाना सबसे आसान और सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि आजकल कोई व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता। जब हम आपको कुछ औषधियों के बारे में बताते हैं तो लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि इन औषधियों को बनाना बड़ा ही मुश्किल है, इसके लिए लोगों को टैबलेट्स लेना आसान लगता है। लेकिन दोस्तों जो लोग जितना आयुर्वेद से दूर जाते हैं उतना ही वो बीमारियों के नजदीक जाते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आयुर्वेदिक तरीके से ही अपनी बीमारियों का इलाज करें, जैसे कि आज हम आपको अपामार के बारे में बताएंगे। तो अपामार से जिन जिन बीमारियों का इलाज हो सकता है आज वो आपको सब बताएंगे, और अगर आप उन बीमारियों का इलाज अपामार से करते हैं तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा पैसा खर्च बीमारियों पर ही होता है। हर एक मिनट में कोई ना कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है, हर दूसरे इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को सिर दर्द की, किसी को दांतों के दर्द की, या किसी के बाल झड़ते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन आपको अपामार में मिल जाएगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपामार के पहले फायदे से। दोस्तों सबसे पहला फायदा अपामार का है दांतों के दर्द को सही करने के लिए। दांतों का दर्द आज के समय में एक कॉमन प्रॉब्लम है। कारण है बॉडी में कैल्शियम की कमी का होना। अगर बॉडी में कैल्शियम ही नहीं है तो दांत तो कमजोर होंगे ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों का दर्द सही हो जाए तो आपको अपामार के डंठल से दातुन करनी है, सेम उसी तरह जिस तरह से आप नीम की दातुन करते हैं। वैसे आजकल कोई नीम की दातुन भी नहीं करता, सभी लोग टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, और उसका नतीजा तो हम देख ही चुके हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके दांत मजबूत हों, क्योंकि आजकल हम लोग दातुन करते ही नहीं है। दोस्तों अगर आप अपामार की दातुन करना शुरू कर दें तो आपके दांतों का दर्द दो बार में ही खत्म हो जाएगा, और आपके दांत इतना मजबूत हो जाएंगे कि 100 साल तक आपके दांत झड़ेंगे ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो अपामार आपके लिए एक रामबाण औषधि है। अपामार से आप चेहरे की सारी पिंपल्स और झुर्रियों को खत्म कर सकते हैं। आजकल पिंपल्स को खत्म करने के लिए हम लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं। एक तो प्रोडक्ट्स महंगे आते हैं और दूसरा उनका साइड इफेक्ट भी होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं विदाउट साइड इफेक्ट और फ्री में अपने पिंपल्स को खत्म करना तो अपामार आपके लिए बेस्ट है। आपको अपामार की पत्तियों का लेप अपने चेहरे पर लगाना है। अगर आप हफ्ते में दो बार ऐसा करते हैं तो पिंपल्स की प्रॉब्लम को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। अपामार आपके नजदीक जहां भी आपको मिले उसकी पत्तियां लीजिए, उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर एज अ फेस मास्क लगाइए। सिर्फ इतना ही करना है और पिंपल्स जड़ से गायब होंगे। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम में अपामार बहुत ही अच्छा है। किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी की प्रॉब्लम आजकल कॉमन है। कारण है हमारे बॉडी में खून का गंदा होना। हमारी बॉडी में जब खून गंदा होता है तो ये गंदगी को हमारी किडनी साफ करती है, और इस किडनी के सफाई करने के कारण किडनी में स्टोन्स पैदा हो जाते हैं। अब ये स्टोन्स को निकलवाने के लिए हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। कभी कभार तो किडनी ही डैमेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों किडनी स्टोन्स के केस में आपको किसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको अपामार की पत्तियां और उसकी जड़ का काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट हर रोज पीना है। ऐसा लगातार 15 दिन करने से आपकी हर तरह की किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये काढ़ा क्या है। दोस्तों आयुर्वेद में काढ़े का बहुत महत्व है। काढ़ा बनाना बहुत आसान होता है। आपको अपामार की पत्तियां और जड़ दोनों बराबर मात्रा में लेकर उसे एक गिलास पानी के अंदर उबालना है। तब तक उबालिए जब तक कि पानी आधा ना रह जाए।
अब इस पानी को छान लीजिए और इस पानी को वैसे पीजिए जैसे आप चाय पीते हैं। सिर्फ इस तरह करने से आपके किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपकी आंखों की रोशनी को भी अपामार तेज कर सकता है। आजकल मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों की रोशनी का कमजोर होना एक कॉमन सी बात है। इसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है और चश्मा लगाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपामार की जड़ का रस लेकर और शहद दोनों को बराबर मात्रा में मिलाइए और एक एक बूंद हर रोज अपनी आंखों में डालिए। ऐसा करने से आंखों की रोशनी 15 दिन से एक महीने में बढ़ जाएगी। अगर आपको चश्मा लग चुका है तो वो चश्मा भी उतर जाएगा। अपामार आपकी आंखों की रोशनी को बहुत तेजी से बढ़ाता है। दोस्तों, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए अपामार के अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान और फ्री भी है। आपको सिर्फ हरे रंग को हर रोज 30 मिनट देखना है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों, भगवान ने पेड़ पौधों का रंग हरा बनाया, कुदरत हरे रंग में ही बनाई। कारण है, हरे रंग का हमारी बॉडी से कनेक्शन है। हमारी आंखों के जरिए जब हमारे रंग को देख रहे होते हैं तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ये चीज रिसर्चेस में साबित हो चुका है। तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आपको हरे रंग को पूरा 30 मिनट हर रोज देखना चाहिए। साथ ही साथ आप हरी घास पर नंगे पांव चलने से भी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा अपामार की जड़ का रस और साथ में शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर आंखों में डालकर भी आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए तरीके तो बहुत हैं, लेकिन हमें आजकल की मेडिकल साइंस ही अच्छी लगती है, जिसमें आपकी आंखों का ऑपरेशन किया जाता है और आपसे हजारों लाखों रुपए लेकर फिर आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाई जाती है। वो चीज हमें अच्छी लगती है क्योंकि उसमें पैसा लगता है। फ्री की चीज जब हमें करने को मिलती है तो हम उसे करते ही नहीं है। हमें लगता है कि शायद ये फ्री में मिल रही है तो शायद ये फायदे की नहीं होगी, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेदिक इलाज बहुत सस्ते या फ्री के ही होते हैं, लेकिन इनका फायदा बहुत ज्यादा है और वो भी बिना साइड इफेक्ट के। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी अपामार बहुत अच्छा है। अपामार की पत्तियों का रस निकालकर उससे आपको अपनी बॉडी के उस पार्ट पर मालिश करनी है जहां पर दर्द है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर अपामार की पत्तियों के रस से मालिश करें। इससे आपके घुटनों का दर्द 2 से 3 दिन में गायब हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है तो वहां पर भी आप अपामार की पत्तियों का रस लगाकर उससे मालिश करने से अपनी शरीर के दर्द को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बवासीर की बीमारी में ये बहुत अच्छा है। अपामार बवासीर का रामबाण इलाज है। अपामार की पत्तियों का रस और काली मिर्च दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर खाली पेट हर रोज लेने से बवासीर की प्रॉब्लम 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है। बवासीर की प्रॉब्लम चाहे वो खूनी हो या बादी, दोनों तरह की आप आसानी से अपामार के जरिए खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी लेडीज जिनको बांझपन की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा, उनके लिए अपामार एक वरदान है। अगर आपको डॉक्टर ने इतना कह दिया है कि आप मां नहीं बन सकती तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपामार्ग आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकता है। अपामार्ग की पत्तियां और उसकी जड़ दोनों को दूध के अंदर आप अच्छे से उबालिए और खाली पीट उसे पीना शुरू कीजिए। ये आपको पीना कब है? पीरियड्स के 4 दिनों में। ऐसा अगर आप लगातार 2 से 3 महीने कर लेते हैं तो इससे बांझपन की प्रॉब्लम लेडीज में बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके अलावा आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि सिजेरियन डिलीवरी। आजकल बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से पैदा हो रहे हैं। पुराने जमाने में बच्चे घर पर ही पैदा हो जाते थे, लेकिन आजकल घर पर छोड़िए, हॉस्पिटल्स में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। कारण है, पैसों का एक तो लालच बढ़ गया है और दूसरा हमारी बॉडी में वो ताकत ही नहीं है कि दर्द को सहन किया जा सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी तो आपको अपामार की जड़ को अपनी कमर के साथ बांधना है। अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर आप अपामार की जड़ को अपनी कमर के साथ बांधे रखते हैं तो इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, इस तरह से अपामार के जरिए आप ढेरों बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ कुछ बीमारियां हैं जो मैंने आपको गिनाई। वैसे अपामार हर बीमारी का इलाज है। अपामार के अलावा भी कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे घर के आसपास हैं, लेकिन उनके फायदों को हम नहीं जानते। हम हल्की सी सुई चुभने पर भी डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन अगर हमें सही में नॉलेज है तो हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। घर पर बैठकर ही हर बीमारी का इलाज हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि अपामार्ग के जरिए किस तरह से बीमारियां खत्म होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।